यूएसडीए से मिली जानकारी के अनुसार सोयाबीन खली की बढ़ती डिमांड और सीमित उपलब्धता के चलते चीन के 2022-23 में रिकॉर्ड 100 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की उम्मीद है। मजबूत घरेलू कीमतों और सरकारी प्रोत्साहनों के कारण तिलहन उत्पादन केवल 62.4 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। 8.9 मिलियन हेक्टेयर के अनुमानित रकबे और न्यूनतम उपज वृद्धि के आधार पर सोयाबीन का उत्पादन 17.4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 से 1 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के लिए कुल तिलहन खपत 166.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 में अनुमानित 163.5 मिलियन टन से अधिक ही है। यूएसडीए ने कहा है कि मुख्य रूप से पशु चारा क्षेत्र में तिलहन की मांग घरेलू उत्पादन से आगे बढ़ रही है, जिसके लिए चीन को बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होगी। घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद 2022-23 में कुल घरेलू तिलहन खपत का 62% आयात होने की उम्मीद है, जो कि 2021-22 के मुकाबले मामूली वृद्धि होगी। यूएसडीए का कहना है कि सुअरों के बढ़ते लाइव स्टॉक और उच्च पोल्ट्री उत्पादन क्षमता से 2022-23 में चीन में सोया खली की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूएसडीए ने कहा है कि 2021-22 के लिए सोयाबीन आयात को संशोधित कर 95 मिलियन टन कर दिया गया है, क्योंकि सुअर और पोल्ट्री क्षेत्रों में कमजोर मांग जारी है। फील्ड मिले कम मार्जिन या कम नुकसान में सुधार के लिए सोयाबीन भोजन समावेशन दरों को कम करने की तरीकों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।